हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। लास्ट लेक्चर में आपने मैथमेटिकल लॉजिक जो पहला चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 1.3 सीख लिया था, और अब इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 जो काफ़ी आसान है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ रूल्स है जो याद करने पड़ेंगे। मैंने इस चैप्टर का जो पार्ट टू वीडियो है जिसके अंदर मैथमेटिकल लॉजिक के लिए बहुत सारे रूल्स का एक टेबल बताया था, आइडेंपोटेंट लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, कंडीशनल लॉ, इस तरह से बहुत सारे लॉ होते हैं जो आपको आने चाहिए। अगर आपको वो लॉ नहीं आएंगे तो ये जो एक्सरसाइज है आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो देखने के पहले कि आप इस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है हमारा चैनल पर, उसमें पार्ट टू वीडियो जिसके अंदर मैंने पूरे बेसिक्स और इसके पूरे लॉ बताए हैं वो पहले देख लो, तो ही आप ये पूरा समझ पाएंगे, नहीं तो आपको नहीं आएगा। मैं थोड़े थोड़े बेसिक्स अभी यहाँ बताऊँगा, लेकिन पूरा वहाँ मैंने डिटेल में बताया। एक्सरसाइज 1.4 में हमें करना क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास 3 क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के अंदर। सबसे पहले आपको अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट यानी वेरियस रूल्स जो है वो याद होना चाहिए। निगेशंस फाइंड करने हैं, तो विदाउट यूजिंग इफ देन ये क्वेश्चन आएगा कि बिना इफ देन का यूज़ किए स्टेटमेंट को चेंज करो। इफ देन वाला स्टेटमेंट दिया होगा और उसमें बोला होगा कि इसमें जो इफ देन है वो हटा दो, बिना उसके स्टेटमेंट लिखो। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ, यानी प्रूफ करने दिया होगा स्टेटमेंट होगा और बिना किसी ट्रूथ टेबल के हमें प्रूफ करना होगा उस स्टेटमेंट को। जैसे कि आपने 1.3 में ट्रूथ टेबल बनाए थे, ट्रूथ टेबल बना के प्रूफ किया था, अब वैसे ही क्वेश्चंस होंगे बट बिना ट्रूथ टेबल के हमें प्रूफ करना होगा। और जो पहला क्वेश्चन इसमें है निगेशन फाइंड करना यूजिंग दीज लॉज, जितने भी लॉज थे वेरियस रूल्स उसका यूज़ करके निगेशन फाइंड करो, एंड वहाँ पर आपको बताना भी होगा कि आपने कौन सा लॉ यूज़ किया है। तो चलो इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज 1.4 है वो स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज 1.4 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशंस राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, यहाँ पर मैंने 2 सब क्वेश्चन लिखे हैं, ये दोनों सब क्वेश्चन की जैसे और भी सब क्वेश्चन है, सबका निगेशन फाइंड करना है, इनका निगेशन निकालना है। लेकिन जो निगेशन निकालोगे रूल्स ऑफ निगेशन का यूज़ करके एंड विथ जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन यानी जो रूल है उसका नाम यहाँ पर लिखना होगा। अब इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दो। सबसे पहले ये कंडीशनल लॉ क्या था, ये पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, जब एरो होता है उस एरो को आप हटाना चाहते हो तो इस एरो को हटा के और कर देते हो और जो पहला पी है वो नॉट हो जाता है, नॉट पी और क्यू। तो ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल याद करके रख लो, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल लॉ। इसके बाद एक ये फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था पी डबल एरो क्यू बाई कंडीशनल, तो इसको सिंगल एरो में पहले कन्वर्ट करते हैं पी देन क्यू एंड क्यू देन पी, फिर उसको वापस से ये कंडीशनल लॉ अप्लाई करते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा जो होता है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या था, आपने मेरे बेसिक लेक्चर में देखा था, मैंने डिटेल में बताया था कि अगर पी एंड क्यू है और बाहर से माइनस आता है तो क्या होगा, ये माइनस अंदर जाएगा माइनस पी कर देगा और ये एंड को और कर देगा और माइनस क्यू, माइनस दोनों के पास चला गया, एंड का और हो गया। और अगर ये पी और क्यू है तो क्या होगा, माइनस अंदर जाएगा माइनस पी, ये और है उसको एंड कर देगा माइनस यानी नॉट क्यू। तो इस लॉ को हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, इसको याद रखना है आपको। जैसे ये कंडीशनल लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ है, वैसे ही और बहुत सारे लॉ होते हैं जैसे एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, आइडेंपोटेंट लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ, तो वो सारे लॉ भी आप याद रखो। लेकिन बेसिकली यहाँ पर कंडीशनल और डी मॉर्गन्स ये बार बार यूज़ होगा निगेशन करते समय। चलो सबसे पहले क्वेश्चन में पहला सब क्वेश्चन देखते हैं, दिया है यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन राइट निगेशन ऑफ दिस, तो इसका निगेशन हमें लिखना है। कैसे लिखेंगे देखो, आप सबसे पहले लिखते हो इट्स निगेशन इज, हर बार की तरह आप पहले लिखोगे इट्स निगेशन इज। सबसे पहले यहाँ पर जो एरो है उसको हम लोग हटाते, ये जो कंडीशनल लॉ है इसका यूज़ करके। कैसे हटाना है, इस एरो को हटाओगे तो पहला वाला जो पी है वो निगेटिव हो जाएगा एंड एरो की जगह और आ जाएगा और सेकेंड वाला ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो क्या करना है, इस ये जो ब्रैकेट है वापस लिख के जैसा है वैसा क्वेश्चन, इसके पहले आपको नॉट देना है, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन था, उसका निगेशन करना था, हमने नॉट दे दिया। अब ये जो नॉट अंदर जाएगा, लेकिन यहाँ तो एरो है तो एरो को हटाना चाहिए, तो एरो को हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, सबसे पहले ये नॉट बाहर ही रखो, ठीक है। अब ये जो है कंडीशनल स्टेटमेंट याद रखो, कंडीशनल लॉ,
इस एरो को हटाते हैं तो पहला पी नॉट हो जाता है, यहाँ एरो की जगह और आ जाता है और ये क्यू अपनी जगह ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इस एरो को हटाएंगे तो पहला जो है पी था वो नॉट हो जाता था, तो पहले तो नॉट क्यू है, तो नॉट क्यू का नॉट, नॉट क्यू का नॉट क्या हो जाएगा, ओनली क्यू, एरो हट के और आ जाएगा और ये जो पी है जैसा है वैसा रह जाएगा। तो यहाँ पर हमने कौन सा लॉ यूज़ किया, कंडीशनल लॉ, तो आपको यहाँ पर लिखना है कंडीशनल लॉ, इस तरह से यहाँ जस्टिफिकेशन लिखा है ना, आप जो भी लॉ यूज़ करेंगे वो लिखना है। अब क्या करते हैं, ये जो नॉट है वो अंदर लेके जाते हैं, ये नॉट अंदर जाएगा तो नॉट क्यू और का हो जाएगा एंड, और अंदर गया तो नॉट पी। अब क्या हो गया, जब भी याद रखो नॉट अंदर जाता है, जैसे ये था नॉट अंदर जाता है यहाँ पर ये, तो नॉट पी और का एंड कर देते हैं, देखो ये और नॉट क्यू, तो ये वही हुआ नॉट क्यू और का एंड हुआ नॉट पी। तो इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये आपको याद रखना है डी मॉर्गन्स लॉ। और ये अब इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी चलेगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका निगेशन आ चुका है। आपको इस तरह से जो जस्टिफिकेशन भी करना है उसके आंसर भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, पी एंड माइनस क्यू। तो सबसे पहले आप लिखोगे इट्स निगेशन इज, तो ये जो क्वेश्चन है इसका निगेशन कैसे हो जाएगा, नॉट पी एंड माइनस क्यू, ओके पी एंड माइनस क्यू नॉट। अब यहाँ पर एरो तो है नहीं, ये एरो कंडीशनल लॉ देने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, ये नॉट अंदर लेके जाओ, तो यहाँ एंड है, नॉट अंदर जाएगा तो एंड का हो जाएगा और ये सब निगेटिव हो जाएंगे, निगेशन पी नॉट पी एंड का हो गया और नॉट नॉट क्या हो गया, पॉजिटिव क्यू। तो ये क्या था, डी मॉर्गन्स लॉ, याद रखो हमेशा। तो यहाँ आप लिखते हो डी मॉर्गन्स लॉ इस तरह से। अब इसको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हो गया ये, तो इतना छोड़ दो। लेकिन ये याद रखो, ये अगर नहीं लिखोगे इस क्वेश्चन में तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे के क्वेश्चन करते। अब अगले जो सब क्वेश्चन है ध्यान से देखो, यूजिंग रूल सेम क्वेश्चन है, थर्ड फर्स्ट वाला, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और भी एट तक है। तो थर्ड जो है पी और माइनस क्यू, इसका निगेशन करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इट्स निगेशन इज ऐसे लिखोगे, फिर निगेशन लिख के इसके बाद इसके अंदर आप नॉट दोगे इस तरह से। तो मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन उसके पहले नॉट यूज़ करके मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट। तो क्या होगा देखो, अब यहाँ पर नॉट यूज़ किया तो यहाँ एरो तो है नहीं, एरो होता तो हम कंडीशनल लॉ लिखते हैं, एरो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ये नॉट सीधा अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, ये नॉट अंदर गया तो ये डी मॉर्गन्स लॉ फॉलो होगा, नॉट अंदर गया तो नॉट पी, ये जो और था एंड हो गया, और ये नॉट अंदर गया तो नॉट ऑफ नॉट, ऐसे नॉट नॉट क्यू। तो ये कौन सा रूल हमने फॉलो किया, तो यहाँ पर आपको लिखना है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है इस तरह से। तो ये क्या हो गया, फिर माइनस पी एंड माइनस माइनस या नॉट नॉट प्लस, तो इस तरह से ये निगेशन आ गया। मैंने देखो क्वेश्चन के पहले नॉट दिया है डायरेक्ट, आपको क्या लिखना है, पहले क्वेश्चन फिर इट्स निगेशन इज, उसके बाद ये लिख के ऐसे करना है। आप जितने बार ये कोई भी लॉ यूज़ करेंगे हर लॉ का नाम लिखते जाओ। यहाँ पर देखो इसका निगेशन करना है, तो अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखोगे, फिर इट्स निगेशन इज, फिर इसके पहले नॉट देना है। अब ये नॉट देंगे तो क्या होगा देखो, हाँ तो यहाँ पर ये वापस डी मॉर्गन्स लॉ एंड वाला, ये नॉट अंदर गया तो दोनों का निगेटिव और एंड का और हो जाएगा, तो सेम डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ होगा। सबसे पहले देखो ये फर्स्ट है स्टेटमेंट एंड ये सेकंड स्टेटमेंट है, तो ये निगेशन अंदर गया तो पहले इस ब्रैकेट का निगेशन, निगेशन ऑफ पी और नॉट क्यू, पी और नॉट क्यू, ये निगेशन इसके पास जाके ब्रैकेट के पास चला गया, फिर जो ये एंड था वो और हो गया, फिर ये निगेशन आर के पास गया, नॉट आर, ये हो गया। हमने क्यों कौन सा यूज़ किया, ये डी मॉर्गन्स लॉ। तो आप बार बार ये लिखोगे, मैंने आपको बता दिया है कि ये दोनों ही बार बार यूज़ होंगे, कुछ अलग यूज़ होंगे तो मैं बताऊँगा आपको। अब क्या होगा, ये नॉट वापस अंदर जाएगा, तो नॉट यहाँ पी और माइनस क्यू है, तो ये नॉट अंदर जाएगा तो फिर से डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगा, ये नॉट अंदर गया नॉट पी, ये जो और था एंड हो गया, नॉट नॉट पॉजिटिव हो जाएगा, नॉट ऑफ नॉट पॉजिटिव, ओके तो ये हो गया, और नॉट आर, तो ये क्या आया, वापस से डी मॉर्गन्स लॉ। कैसे किया हमने, सबसे पहले ये नॉट अंदर लिया था और इसको एंड को और किया था, दोनों को नॉट दिया था तो डी मॉर्गन्स लॉ, फिर ये नॉट इस ब्रैकेट के अंदर गया और का एंड हो गया तो वापस से डी। जितने भी बार आप लॉ अप्लाई करोगे हर लाइन में वो लिखना है। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा इसलिए इसको इतना छोड़ देंगे।
अभी अगला जो क्वेश्चन है देखो, पी इफ पी देन पी और नॉट क्यू, तो इसका निगेशन कैसे करें? सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखोगे ये, फिर इट्स निगेशन इज, उसके बाद आप क्या करोगे, इसके आगे नॉट दे रहा हूँ मैं, निगेशन करना है। अब ये नॉट अंदर जाने के पहले क्या करना पड़ेगा, देखो एरो है इफ़ देन, तो जब भी इफ़ देन हो तो आपको मैंने क्या बताया, कंडीशनल लॉ। क्या है कंडीशनल लॉ? नॉट तो बाहर है, बाहर ही रखो, ठीक है। पहला वाला जो होता है पी, वो नॉट हो जाता है और एरो को और कर देते हैं। पहला जो पी है वो नॉट हो जाएगा, जो इफ़ देन एरो है वो और हो जाएगा, और फिर ये जो है ऐसे ही रखना। ओके, तो ये क्या हुआ, कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ, इस तरह से आपको लिखना है। देन अब क्या होगा, देखो ये नॉट अंदर लेके जाना, तो ये पहला स्टेटमेंट, फिर और फिर दूसरा स्टेटमेंट, तो बिल्कुल इसके जैसा है। तो डी मॉर्गन्स लॉ ऐसे होगा, नॉट अंदर गया, नॉट ऑफ नॉट पॉजिटिव हो जाएगा, ओनली पी, ये और का एंड हो गया, ये नॉट इसके पास आया तो नॉट ब्रैकेट के पहले लिख दो इस तरह से। तो कौन सा लॉ यूज़ किया, ये वाला डी मॉर्गन्स लॉ। सो डी मॉर्गन्स लॉ इस तरह से आपको लिखना है। अब देखो ये नॉट अंदर जाएगा ब्रैकेट के और अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा पी एंड, ये नॉट अंदर गया तो नॉट पी, जो ये और है वो एंड हो गया वापस से, और नॉट 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 इसके पास गया नॉट क्योंकि तो पॉजिटिव क्यू हो गया, तो वापस से ये वाला लॉ अप्लाई हुआ डी मॉर्गन्स लॉ। तो फिर से आप लिखोगे डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको यहीं पर छोड़ दो। तो ये निगेशन का जो रूल है बहुत ही आसान है, मोस्टली जो इसके अंदर है कंडीशनल लॉ और डी मॉर्गन्स लॉ बार बार यूज़ हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी कहीं कहीं यूज़ होगा, तो मैं आपको बताऊँगा। चलो देखते हैं आगे के सब क्वेश्चंस। अगले सब क्वेश्चन में नॉट पी एंड क्यू और पी और नॉट क्यू है, तो अब इसका निगेशन लेना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, लिखोगे इट्स जो क्वेश्चन है उसके बाद एक लाइन आपको हर बार लिखनी चाहिए, इट्स निगेशन इज, फिर जो क्वेश्चन है वो लिखो पूरा एज इट इज़, और उसके पहले हमको नॉट करना है, इसके पहले हमको नॉट करना है इस तरह से, ठीक है। अब तीन बार इक्वल दे दो, अब ये नॉट अंदर जाएगा, तो देखो ये नॉट इस तरह से, ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है ना, अगर नॉट अंदर जाता है ब्रैकेट के तो ये और का एंड हो जाता है, और एंड होगा तो और सबके पास नॉट जाता है, तो डी मॉर्गन्स लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे। ये नॉट अंदर गया तो इसका नॉट, नॉट ऑफ नॉट प्लस हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा, नॉट नॉट हट जाएगा, ये जो और था वो एंड हो गया, ये नॉट इस ब्रैकेट के पास जाके यहाँ पर उसके पहले हो गया, अब ये ब्रैकेट के अंदर नहीं गया है, बाहर ही है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डी मॉर्गन्स लॉ, ओके, जस्टिफिकेशन। देन आगे क्या करना है, अब ये ऐसे ही रहेगा पी एंड क्यू, ये एंड, ये नॉट अब अंदर जाएगा, वापस से देखो डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगा, नॉट पी, ये और था वो एंड हो गया, ये और था, हाँ ऐसे और फिर नॉट नॉट क्यू, तो नॉट नॉट हट जाएगा ये, तो वापस से आपको लिखना है डी मॉर्गन्स लॉ इस तरह से। ये लॉ होते हैं सब आपको याद रखना है, अब आगे कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारा जो निगेशन था क्वेश्चन, उसका फाइनल आंसर है, हो गया निगेशन। अगला जो सब क्वेश्चन सेवेंथ वाला, ये इस तरह से है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इट्स निगेशन इज ऐसे लिखोगे, एंड उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर नॉट दे दोगे, और अब आगे करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले एरो दिया हुआ है, ये जो एरो होता है इस एरो को चेंज कर देना चाहिए कंडीशनल लॉ से, पहला वाला पी नॉट पी हो जाएगा, एरो का और क्यू, आपको याद हो गया होगा हर क्वेश्चन में करते करते। तो सबसे पहले एरो को चेंज करते, ये जो पहला ब्रैकेट है वो नॉट हो जाएगा, ओके, ये एरो को और कर देंगे, और ये जो दूसरा ब्रैकेट है ये जैसा है वैसा ही रहेगा इस तरह से, ओके, ये पी और ये क्यू है समझो। देन क्या है, देखो नॉट अब अंदर जाएगा, अच्छा ये कैसे हुआ, इसको आपको यहाँ लिखना है कंडीशनल लॉ, इस लॉ का नाम क्या है, कंडीशनल लॉ, ये देखो कंडीशनल लॉ। अब ये नॉट है ना वो अंदर जाएगा, जैसे ये था देखो नॉट पी और क्यू था, तो नॉट अंदर गया तो नॉट पी और का एंड हो गया नॉट क्यू, तो बार बार मैं बता रहा हूँ कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, ये दोनों ही बार बार यूज़ होंगे। नॉट अंदर जाएगा तो ये नॉट नॉट हट जाएगा, पी और नॉट क्यू है, फिर ये नॉट अंदर गया तो ये और का एंड हो गया, फिर ये नॉट इसके पास आ गया, नॉट पी एंड नॉट क्यू, तो ये लॉ का नाम क्या था, डी मॉर्गन्स लॉ। तो आप लिखोगे डी मॉर्गन्स लॉ इस तरह से, ठीक है। अब आगे देखते और भी कुछ हो सकता है क्या इक्विवेलेंट, यस, ये नॉट अंदर लेके जाएंगे, इसके पहले नॉट वगैरह कुछ नहीं है, तो इसको आप जैसा है वैसे ही रख दो, एंड ये नॉट अंदर गया तो ऐसे होगा नॉट पी,
और ये एंड है उसका और हो गया, फिर नॉट ऑफ नॉट क्यू, देखो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो क्यू नॉट और नॉट हट जाएगा, अब आगे कुछ नहीं कर सकते। अब ये वापस से अंदर गया ना यहाँ पर, तो ये फिर से आपने डी मॉर्गन्स किया है, तो वापस से लिखो डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पर ये सेवेंथ वाला कंप्लीट हुआ, ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो इसको यहीं पर छोड़ देना है। जस्टिफिकेशन के लिए आप बार बार जो है इसके आगे आप लिखोगे कौन सा लॉ आपने यूज़ किया है। चलो इसमें और एक क्वेश्चन है एट्थ वाला लास्ट, वो भी देखते हैं। फर्स्ट के अंदर लास्ट सब क्वेश्चन है, एट्थ वाला देख लो। ये क्वेश्चन दिया है क्या करना है, यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ओके विद जस्टिफिकेशन। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे इट्स निगेशन इज, इसके बाद क्या करना जो क्वेश्चन है उसके पहले नॉट देना है ओके, जैसे अभी तक कर रहे थे ना बिल्कुल वैसे ही है। इसके बाद क्या करो कि ये जो नॉट है वो अंदर लेके जाओ, लेकिन ये जो है ना इसको पी समझो और इसको क्यू समझो। पी और क्यू क्या सीखा है आपने डी मॉर्गन्स लॉ में, पी और क्यू के पहले नॉट है तो नॉट दोनों के पास चला जाएगा और ये और का एंड हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, तीन बार साइन दो ऐसे इक्विवेलेंट का, नॉट अंदर जाएगा इस ब्रैकेट के पास नॉट इस तरह से, और ये जो और था वो एंड हो गया, अब ये नॉट इस ब्रैकेट के पास आ गया इस तरह से ओके। तो ये कौन सा लॉ यूज़ हुआ, डी मॉर्गन्स लॉ, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। आगे देखते हैं, फिर से इक्विवेलेंट, अब ये नॉट वापस अंदर जाएगा तो फिर से डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई होगा, ये नॉट दोनों के पास चला जाएगा और का एंड हो जाएगा। तो नॉट नॉट पी ओनली पी, नॉट नॉट कैंसिल हो गया, और का एंड हो गया, नॉट नॉट क्यू ओनली क्यू ठीक है। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई हुआ, यहाँ भी देखो फिर से ये नॉट अंदर जाके दोनों के पास जाएगा नॉट ऑफ पी, और ये जो एंड था और हो गया नॉट नॉट क्यू, नॉट और नॉट हट गया। तो दो बार यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई हुआ, आप लिखोगे डी मॉर्गन्स लॉ इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन के अंदर टोटल एट सब क्वेश्चन थे, हम लोग को जस्टिफिकेशन करना था इस तरह से जो लॉ है वो यूज़ करने थे। मोस्ट ऑफ कंडीशनल लॉ और डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ हुए पहले क्वेश्चन में, और भी अगर अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये सारे लॉ भी यूज़ होते हैं। आइडमपोटेंट लॉ जो मैंने सिखाया है वो लॉ याद रखो, आगे चल के हो सकता है क्वेश्चन नंबर थ्री में हमको मिले। तो अब क्वेश्चन नंबर वन हो गया कंप्लीट, जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, रिराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ़ देन। अब क्वेश्चन आपको दिखेगा इफ़ अ मैन इज़ अ जज देन ही इज़ हॉनेस्ट, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको इफ़ और देन दिया हुआ है और कहा क्या गया है रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन, बिना इफ देन का यूज़ किए इसको लिखना है। तो कैसे करोगे देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, अ मैन इज़ अ जज, इसको आप लेट पी करना, लेट पी अ मैन इज अ जज इस तरह से कर दिया ठीक है। उसके नीचे क्यू करो, क्यू क्या है ये देन के बाद ही इज़ हॉनेस्ट, ये हॉनेस्ट हो गया। अभी इट्स सिम्बॉलिक फॉर्म, सिम्बॉलिक फॉर्म लिखो, सिम्बॉलिक फॉर्म इज क्या आएगा देखो, इफ अ मैन इज अ जज, मैन इज अ जज क्या है पी, देन इफ देन ही इज हॉनेस्ट क्या आएगा क्यू। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है क्योंकि हमको क्या बोला गया है रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन, तो इफ देन का यूज नहीं करना है, मतलब ये एरो को कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, कंडीशनल लॉ में पहला जो पी होता है निगेटिव कर दो नॉट पी, और इसको और करो और ये क्यू करो। अब इसको वर्बल फॉर्म में लिखो, सो इट अभी यहाँ पर क्या था रिराइट ओके, इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हो आप देखो, माई नॉट पी, नॉट पी क्या था अ मैन इज अ जज, उसमें नॉट लगा दो, अ मैन इज नॉट अ जज ओके, अ मैन इज नॉट, नॉट क्यू क्योंकि नॉट पी ओके, और अब क्यू क्या था यहाँ से क्यू देखो ही इज हॉनेस्ट, और ही इज हॉनेस्ट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कोई अगर क्वेश्चन है इफ देन में दिया है इफ देन के फॉर्मेट में और उसको हमको हटा देना है विदाउट यूजिंग इफ देन लिखना है, तो आप क्या करोगे पहले स्टेटमेंट को पी कंसिडर करो, दूसरे स्टेटमेंट को क्यू करो, इसको सिम्बोलिक फॉर्म हमेशा ऐसे आएगा पी देन क्यू, देन उसको क्या करोगे कंडीशनल लॉ यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय कंडीशनल लॉ ओके, वो यूज़ करो एरो को हटा के नॉट पी और क्यू करो जो फॉर्मूला आपने याद किया था, और इट कैन बी रिटर्न एज इस तरह से लिख दो, ये हो गया हमारा पूरा आंसर। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ टू इज़ अ रैशनल नंबर देन रूट टू इज़ अ इरेशनल नंबर, तो कैसे करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आप लिखोगे लेट, यहाँ पर ये जो पहला था इसको पी करोगे, पी
क्या पी है, टू इज अ रैशनल नंबर, ये जो पहला स्टेटमेंट था पी, देन के बाद जो भी है रूट टू इज अ रैशनल नंबर, तो क्या करोगे एन है यहाँ पर, तो आप क्यू करोगे, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ओके शॉर्ट में नंबर लिख रहा हूँ। अब इट्स सिंबॉलिक फॉर्म, हमेशा की तरह करो, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या जाएगा, देखो टू, इफ टू इज अ रैशनल नंबर यानी इफ पी, देन इफ देन को एरो किया, फिर ये क्या था क्यू, और इसको चेंज करोगे तो क्या आएगा, पी कैसे आ जाएगा, माइनस पी और क्यू, तो क्या आया, बाय कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ, इस तरह से आपको लिखना। आप लिखोगे इट कैन ऑल्सो बी रिटन एस, कैसे आएगा, देखो ये नॉट पी है तो पी नॉट, टू इज अ रैशनल नंबर था, नॉट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, टू इज नॉट अ रैशनल नंबर, इस तरह से। फिर क्या है, और अब क्यू, क्यू क्या है, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो ये बहुत ही आसान है, इफ देन को हटाना होता है अगर, तो इफ देन को हटाना है तो क्वेश्चन में से इफ देन हट जाएगा और पहला जो है निगेटिव हो जाएगा, नॉट आ जाएगा और देन के बदले और आ जाएगा और क्यू जैसा है वैसा ही रहेगा, तो बहुत ही आसान है। इसके जैसा और एक थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, वो देख लो, इफ एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो देन एफ एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस टू, बिल्कुल सिमिलर है, ये आप खुद से करो, मैं आपको क्वेश्चन नंबर थ्री बताता हूँ। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर थ्री, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, बिना ट्रूथ टेबल का यूज़ किए कैसे प्रूफ करें। देखो अब ये LHS में दिया है, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू और इक्विवेलेंट, ये प्रूफ करना है, RHS और LHS को इक्वल लाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं, ओके विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, यानी आपको ट्रूथ टेबल नहीं बनाना है, विथ यूजिंग ट्रूथ टेबल होता तो आप 1.3 जैसा ट्रूथ टेबल वगैरह बनाते। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लेंगे, पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, अब इसका बेसिक फॉर्मूला इस लेक्चर के स्टार्टिंग में भी मैंने यहाँ पर आपको बताया था और पिछले लेक्चर में भी बताया था, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पी देन क्यू एंड क्यू देन पी, ओके इस तरह से, ये क्या है, बाई कंडीशनल लॉ होता है, इसको आपको लिखना चाहिए हर बार, बाई कंडीशनल लॉ। अब क्या होगा, देखो पी देन क्यू, कंडीशनल लॉ से क्या हो जाएगा, वो माइनस पी और क्यू, और ये एंड है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू और पी, इस तरह से हो जाएगा, जैसे फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते थे, ये क्या आ गया, कंडीशनल लॉ। अब क्या लाना है, देखो हाँ ध्यान से, लाना है पी एंड क्यू और माइनस पी एंड माइनस क्यू। अब यहाँ पर जितने भी लॉ आपने याद किए थे वो सब यहाँ अप्लाई हम करने वाले हैं, कैसे देखो, अब लाना क्या है, पी एंड क्यू एक साथ, इसमें निगेटिव नहीं है, यहाँ देखो इसमें निगेटिव है और यहाँ पर दोनों निगेटिव चाहिए बट एक ही निगेटिव है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये मुझे कैसे भी करके लाना है, इसका आंसर ये आ चुका है, पी बाय कंडीशनल क्यू का आंसर ये ठीक है, लेकिन मुझे क्या बोला गया है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ करो, तो आप इसको अब मॉडिफाई करो, करते जाओ जब तक कि ये ना आ जाए राइट हैंड साइड, तो चलो करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसका देखो, इस ब्रैकेट का एंड है इस ब्रैकेट के साथ, बट इस ब्रैकेट के अंदर दो एलिमेंट्स है, तो मैं इस ब्रैकेट का पहले माइनस नॉट क्यू के साथ एंड करता हूँ, देन इस ब्रैकेट का पी के साथ एंड करता हूँ, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे आ गया, देखो निगेटिव पी और क्यू, ये जो ब्रैकेट था इसका एंड करते हैं निगेटिव क्यू के साथ, ये एक हो गया, ठीक है, इसको आप ऐसा ब्रैकेट चाहिए तो क्लोज ब्रैकेट दे दो, इस तरह से ये हो गया एक। फिर अब ये क्या बचा, और है देखो, ये और पी करने वाले ना, और इसका पी के साथ एंड करो, निगेटिव पी और क्यू, ये जो था इसका एंड होगा, ये पी आके इसके साथ एंड करेगा, एंड पी, और ये दोनों का जो और था वो यहाँ बीच में रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अच्छा यहाँ पर क्या लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये याद रखना है आपको। अब देखो वापस से होगा, जैसे हमने यहाँ किया था ना वैसे ही, ये माइनस क्यू का एंड इन दोनों के साथ करेंगे, कैसे करेंगे, देखो नॉट पी एंड नॉट क्यू, ये हो गया, जो नॉट क्यू था उसका एंड इसके साथ किया, फिर ये और है तो और लिखो, अब इस क्यू के साथ में एंड करो नॉट क्यू का,
क्या किया समझ में आया, नॉट क्यू को पहले इसके साथ ले गए, फिर नॉट क्यू को इसके साथ ले गए, फिर और। अब देखो सेम जैसे यहाँ किया ना वैसे यहाँ करना है, ये जो एंड पी है ना एंड पी, वो पहले नॉट पी के साथ लिखते हैं, नॉट पी एंड पी ये आ चुका है, फिर और, फिर जो क्यू है इस क्यू के साथ एंड पी करना। ओके तो ये हमने क्या किया, वापस से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किया, वापस से क्या किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आपको लिखना है जब भी आप लॉ अप्लाई करो लिखो। अब क्या होगा ध्यान से देखो, माइनस पी एंड माइनस क्यू ये ऐसे ही रह जाएगा, माइनस पी एंड माइनस क्यू यानी नॉट पी है वो एक्चुअल में नॉट है। अब देखो क्यू एंड नॉट क्यू, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो क्यू एंड नॉट क्यू, यहाँ पर क्यू अगर ट्रू है तो ये उसका निगेटिव फॉल्स होगा, और अगर क्यू फॉल्स है तो ये उसका निगेटिव ट्रू होगा, यानी ये एंड टेबल में ये दोनों, अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, एंड में क्या होता है याद करो, एंड में अगर दोनों अलग अलग है तो क्या होगा फॉल्स आएगा, दोनों टी होगा तो ही टी आता है, बट ये टी है तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसलिए ये आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स। और अब यहाँ देखो ये माइनस पी एंड पी, ये भी देखो सेम ऐसे ही है, ये पी अगर ट्रू है तो माइनस पी फॉल्स होगा, पी अगर फॉल्स है तो माइनस पी ट्रू होगा, और दोनों के बीच में एंड है तो एक टी और एक एफ है और एंड है, दोनों सेम होना चाहिए ना ट्रू होने के लिए, ये फॉल्स आएगा। और क्या है क्यू एंड पी, अब ये जो मैंने किया क्यू एंड माइनस नॉट क्यू को एफ किया और माइनस पी एंड पी, इसका नाम था कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके वो भी आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है, एक अगर पॉजिटिव और एक नेगेटिव है बीच में एंड है तो उसका आंसर एफ आता, अगर और होता तो क्या आता टी आता, ये याद रखना है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये मैंने बेसिक में लॉजिक का जो सेकेंड पार्ट है उसमें पूरा आपको याद करवाया था, वहाँ से आपने याद किया है। तो ये दोनों जगह पे कॉम्प्लीमेंट लॉ हुआ, यहाँ और यहाँ पर। अब क्या होगा देखो, एक हमने और ये भी याद किया था कि पी और एफ अगर आइडेंटिटी लॉ है, पी और एफ अगर पी का एफ के साथ और करते हैं तो आंसर क्या आएगा, जो पी है वही आएगा, और अगर पी का एफ के साथ एंड करते हैं, अगर पी का एफ के साथ एंड करते हैं तो आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है तो ये क्या था आइडेंटिटी लॉ, तो हम लोग आइडेंटिटी लॉ यूज़ कर रहे हैं अभी। माइनस पी ये पूरे ब्रैकेट के साथ और है एफ का, और में याद है ना कि अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू है तो ट्रू आएगा, अगर ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, मतलब इसके ऊपर डिपेंड है, अगर ये ट्रू है तो ट्रू और एफ ट्रू आएगा, अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स और एफ फॉल्स आएगा, मतलब इसके ऊपर डिपेंड है। तो इसका और किया एफ के साथ तो आइडेंटिटी लॉ फॉलो होगा, और ये सेम है एज इट इज़ आंसर आएगा, ये जो है ना ये ऐसे ही आंसर आएगा, इसका रूल था पी और एफ, पी का किसी एफ के साथ और होता है तो आंसर पी आता है, अगर पी ट्रू है तो ट्रू आएगा, पी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। हाँ तो ये और एफ हट के ये आ गया, फिर ये और, अब एफ के साथ वापस सेम जैसे और एफ था यहाँ भी और एफ है, तो यही आंसर आएगा क्यू एंड पी। तो यहाँ पर हमने क्या किया आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ ये याद रखना। अब आंसर में क्या लाना था, देखो पी एंड क्यू और नॉट पी एंड नॉट क्यू, तो ये नॉट पी एंड नॉट क्यू आया हुआ है, और ये क्यू एंड पी नहीं चाहिए हमको, पी एंड क्यू चाहिए, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो पी एंड क्यू कर सकते हो, क्यू एंड पी को पी एंड, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। ये हम लोगों ने जो टेबल सीखा था लॉ का, वो पूरा का पूरा टेबल यहाँ पर काम आ रहा है। अब वापस देखो ये और है, पी एंड क्यू पहले चाहिए, ये बाद में है, पहले चाहिए और ये बाद में चाहिए, तो आगे पीछे जैसे मैंने यहाँ किया पी और क्यू को आगे पीछे किया तो कॉम्यूटेटिव लॉ, तो इस इन दोनों को भी आगे पीछे कर दो, पी एंड क्यू पहले आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा माइनस पी एंड माइनस क्यू यानी नॉट, और वापस से क्या आ जाएगा कॉम्यूटेटिव लॉ। तो इस तरह से ये जो आपको लाना था इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, आप लास्ट में लिखते हो हैंस, क्योंकि ये प्रूफ करना था, प्रूफ में क्या होता है जो एल एच एस में उसका आंसर राइट हैंड साइड में जो है वो लाना ही है। तो एक्चुअल में हमने पी डबल एरो क्यू इसको हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, ये आंसर है इसका, लेकिन जब प्रूफ है तो आप इसको मॉडिफाई करके कैसे भी वो लाओगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन के अंदर पहला विदाउट ट्रूथ टेबल हमने प्रूफ कर लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे सारे के सारे जस्टिफिकेशंस हैं, सारे के सारे जो लॉ आपने जिस स्टेटमेंट में यूज़ किया जिस स्टेप में वो लिखना है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है चलो और भी कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर थ्री में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव करना है। यहाँ पर सेकंड में LHS देखोगे और RHS में सिर्फ P है, तो LHS मैंने ले लिया, अब इसको मुझे सॉल्व करके P लाना है आंसर में, तो कैसे होगा? देखो यहाँ पर Q और नॉट Q भी है, वो हट जाना चाहिए। तो अब आपको यहाँ पर सारे के सारे लॉ जो सीखे थे वो यूज़ करके सॉल्व करना है। तो कुछ कॉमन है क्या, देखोगे पी और, यहाँ देखो पी और, ये कॉमन है, पी और ये दोनों में भी है, तो आप कॉमन ले सकते हो। कैसे कॉमन लेगो, देखो P और कॉमन, तो इस ब्रैकेट से P और कॉमन आया तो क्या बच गया, Q, और यहाँ पर एंड है, यहाँ से P और कॉमन आया तो बच गया नॉट Q, इस तरह से। अब ध्यान से देखो पिछले क्वेश्चन को, अगर आपने अच्छे से सीखा था तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा Q एंड नॉट Q, ये एक Q है तो ये इसका निगेटिव है, अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू है, और बीच में एंड है, एंड में क्या होता है, अगर एक ट्रू एक फॉल्स है या फॉल्स ट्रू है तो हमेशा फॉल्स आता है। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ, अभी आपने किया था। उसके बाद देखो पी और एफ, एफ के साथ और करना है, ओके। तो ये आइडेंटिटी लॉ था, आपने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा आइडेंटिटी लॉ क्या था, वो कि एफ के साथ किसी का और करते हैं जैसे पी का, तो पी आंसर आता है, क्योंकि ये और एफ है, ये पी पे डिपेंड है, ये एफ है, अगर ये और टेबल में पी ट्रू रहा तो ट्रू और एफ ट्रू आएगा, अगर P फॉल्स है तो फॉल्स और F फॉल्स आएगा, इसलिए P जो इसका आंसर आता है, और हमें लाना क्या था यही, तो ये हो गया है RHS। आप लिखते हो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड दैट, पूरा क्वेश्चन लिख सकते हो। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में थर्ड P एंड Q, और इस तरह से दिया हुआ LHS काफ़ी लंबा चौड़ा, और हमें लाना है P और Q, सिंपली इतना लाना है। तो सबसे पहले आप LHS ले लेते हो। अब LHS में देखो सबको रिड्यूस करना है, तो आप क्या करोगे, देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या पहले दोनों ब्रैकेट में, यस, एंड Q देखो कॉमन दिख रहा है, एंड Q, तो आप क्या करो, इन दोनों ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, और इसको ऐसे ही साइड में रखो थर्ड वाले को, इन दोनों ब्रैकेट में से आप क्या करोगे, एंड Q दोनों में है तो एंड Q ऐसे बाहर ले लो, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, P, और एंड Q आ गया बाहर, ये और है वो ले लो, यहाँ पर एंड Q आ गया बाहर, माइनस नॉट P बच गया, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, और P एंड नॉट Q, वो लिख दिया। अब इसके बाद देखो ये P और माइनस P है, वापस से कॉम्प्लीमेंट लॉ फॉलो होगा, और में क्या होता है, अगर P और माइनस P इस तरह से रहे तो ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है, इसका आंसर T आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ में, ओके। ये P और माइनस P है तो अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स है तो ये ट्रू, इसलिए T आएगा, तो T एंड Q यहाँ पर आ गया कॉम्प्लीमेंट लॉ से, यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो और P एंड नॉट Q, अब देखो ट्रू एंड Q, ट्रू के साथ एंड करना है Q का, अगर ये T रहा Q तो T एंड T क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, अगर ये फॉल्स रहा तो T एंड F, F हो जाएगा, मतलब Q पे डिपेंड है, तो इसका आंसर आएगा Q और P एंड नॉट Q, इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ इसका आ चुका है। अब ये जो आया इसको सॉल्व करके देखते हैं, अब इसको वापस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करना चाहिए, कैसे, मतलब Q को एक बार P के साथ लेके जाओ, फिर Q को नॉट Q के साथ, तो ये आ जाएगा Q और P, जो Q गया और P, फिर एंड, फिर ये Q और नॉट Q, इस तरह से आ गया। अब इसके बाद देखो क्या करना है, Q और P इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर Q और नॉट Q, ध्यान से देखना, Q और नॉट Q ऐसा जब होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या था, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और है तो ट्रू और फॉल्स ट्रू आ जाता है, अगर एंड होता तो फॉल्स आ जाता, ठीक है। अब इसके बाद देखो किसी का भी T करेंगे एंड, हाँ किसी का भी एंड करेंगे T के साथ तो वही आंसर आता है, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ क्या था ये देखो फिर से बताता हूँ, P एंड T होगा ना तो P आंसर आएगा, आइडेंटिटी लॉ, तो इसका एंड किया T के साथ तो यही आंसर आएगा, तो इसका एंड T के साथ तो यही आंसर है, लाना क्या था P और Q, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये Q और P को ना P और Q कर सकते हो, यहाँ पर लिखना कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ से हम लोग इस चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरह से जो लाना था P और Q वो आ चुका है, इसको आप लिखते हो RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव दैट, इस तरह से आप लिखोगे। तो ये हो गया थर्ड पूरा, चलो देखते हैं फोर्थ वाला। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन थर्ड में फोर्थ,
LHS देखो ये है और RHS ये है, तो मैंने LHS ले लिया यहाँ पर। अब क्या करना है, देखो ये जो LHS है इसमें पहले नॉट है, ठीक है, तो नॉट अंदर लेके जाना है, लेकिन उसके पहले यहाँ एरो दिया हुआ है, तो एरो को पहले सॉल्व करना चाहिए। क्या होता है वो, जब भी आपको पता है P देन Q होता है, तो इसका आंसर हम क्या लिखते हैं, नॉट P और Q, कौन सा लॉ था, कंडीशनल लॉ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या दिया है, P और ये पूरा P है समझो, और ये पूरा Q है, P देन Q है, तो कंडीशनल लॉ से क्या आएगा, पहला वाला निगेटिव हो जाएगा, P निगेटिव हो जाता है, नॉट P और नॉट Q, और इसको और करते हैं, और जो Q है वो एज इट इज़ रहता है, तो ये जो है एज इट इज़ रह गया, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ, ये आ गया है। अब आगे क्या करेंगे, देखो ये नॉट अंदर जाएगा, निगेशन कर रहे हैं हम लोग, नॉट अंदर गया तो सबका नॉट हो जाएगा, तो ये नॉट अंदर गया तो नॉट नॉट पॉजिटिव, ओके, तो ये हम लोग नॉट नॉट पॉजिटिव हो गया, तो सिर्फ ये लिखते हैं पी और नॉट क्यू, फिर नॉट अंदर जा रहा है और का एंड हो गया, फिर ये नॉट इसके पास आया, पी एंड नॉट क्यू, इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, जब भी नॉट जो होता है निगेशन अंदर जाता है सबको चेंज करता है, वो डी मॉर्गन्स लॉ होता है। अब क्या करेंगे, देखो पी और नॉट क्यू क्या लाना था, यही लाना था, पी और नॉट क्यू, ठीक है, वो आ चुका है, फिर एंड वो भी आ गया, फिर इस ब्रैकेट के बाहर नॉट नहीं चाहिए, ये नॉट अंदर लेके जाओ, पी और नॉट क्यू एंड, ये नॉट अंदर चला जाएगा तो नॉट पी, फिर ये एंड है ना वो और हो जाएगा, नॉट अंदर गया तो, और नॉट नॉट क्यू तो ओनली क्यू प्लस हो जाएगा, क्या लाना था, देखो नॉट पी और क्यू आ चुका है, एंड और पी और नॉट क्यू, एंड और पी और नॉट क्यू आ चुका है, ये कहाँ से आया, ये वापस से नॉट अंदर गया, तो फिर से डी मॉर्गन्स लॉ ये आपको लिखना है, ठीक है, जो लाना था वो आ चुका है, तो ये हो गया RHS, ये हो गया LHS, आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ थर्ड का, फोर्थ, और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हुआ। सो स्टूडेंट्स, आज का जो ये एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 1.4, ये पूरा लॉ के ऊपर बेस्ड था। मेरे लॉजिक के पार्ट टू वाले वीडियो में मैंने इन सारे लॉ को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अगर आपने वो वीडियो देख के अच्छे से याद किया होगा तो ही ये पूरा आएगा, और अगर अभी तक आपने याद नहीं किया तो आप ज़रूर याद कर लें, और इन क्वेश्चंस को दो दो बार प्रैक्टिस करें जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, नहीं तो आप लोग एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ हो सकते हो। मैथमेटिकल लॉजिक ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया, उसके अंदर हमने बेसिक्स किए, फिर 1.1, 1.2, 1.3, और आज हमने 1.4 भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 1.5 कंप्लीट करेंगे, जिससे पूरा चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक फिनिश हो जाएगा, और अभी हमने जो बेसिक कंसेप्ट सीख लिए हैं, लॉजिक, मैट्राइसेस, डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी मैंने स्टार्ट कर दिया, इसका पार्ट वन हो चुका है। इसके बाद मैं नया चैप्टर चालू करूँगा, मैट्राइसेस, फिर डिफरेंशिएशन, ये दोनों चैप्टर मैं चालू करने वाला हूँ, हर एक एक्सरसाइज के हर एक सम सॉल्व करूँगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।